मित्रों जय श्री राम। मैं इस समय श्री श्रृंगवेरपुर धाम में आया हुआ हूँ। आप ये दिव्य मूर्ति देख रहे हैं, हमारे साथ मिश्रा जी हैं और ये हमारे पंडा महाराज हैं। इन्होंने हमें बताया, बताइए भैया भगवान के बारे में दो शब्द बताइए। श्रृंगी ऋषि महाराज जी, माँ शांता देवी, रामचंद्र जी की बहन जी, आप है शीतला माता है काली धाम। श्रृंगी ऋषि महाराज जी, जब राजा दशरथ का चौथा पल लग गया था जी, कोई संतान नहीं थे जी, तब यही श्रृंगी ऋषि महाराज अयोध्या गए, अयोध्या में यज्ञ करवाए जी। यज्ञ के पश्चात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई जी। अब यज्ञ के बाद शांता दान होता है। हाँ, राजा दशरथ के पास कोई शांता नहीं। राजा दशरथ के बगल देखे, राजा दशरथ के मित्र राजा रोमपाद खड़े थे, उनकी पुत्री शांता, शांता दान में इनको दे दिए श्रृंगी ऋषि महाराज को। इन्होंने अपनी पत्नी मान का स्वीकार कर लिया। अच्छा, इन्हें तो सिंह है ना। हाँ, ये हिरणी के गर्भ से पैदा हुआ। दो सिंह दिख रहे हैं आपको साइड में। हाँ, वो हिरणी के गर्भ से उत्पत्ति मतलब पैदा हुई। और ये दशरथ जी का श्रृंगी ऋषि ही कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुने आहुत दीन है प्रगटे अग्नि शुरू कर लिया। अंदर यही कोई जरूरत नहीं, वैसे भगवान से प्रणाम कर लेंगे। तो आज बड़ा ही पावन दिन है, आज हम लोग श्रृंगवेरपुर धाम में आए हैं, जहाँ भगवान परब्रह्म प्रसाद दीजिए, भगवान परब्रह्म स्वयं यहाँ आए चल करके। यहाँ राम लक्ष्मण सीता जी आए थे, राम और गंगा मैया का पार किए थे। केवट राजन यहाँ का निषाद था, निषाद राज यहाँ के, केवट जी यहाँ के जो राजा हुआ करते थे। और ये बजरंग बली जी का मंदिर है और माँ गंगा जी का हम आपको दर्शन करवाना चाहते हैं यहाँ से। ये है माँ गंगा जी, माँ गंगा का तट आप देख रहे हैं। वो जो नीचे छोटी छोटी कुटिया लग रही है, ये आपको बता दूं कि एक छावनी जैसी है, जिसके बाद आप आकर के स्नान हम लोग करते हैं। ये माँ गंगा का तट है, इसी तट पर भगवान श्री राम रुके हुए थे और आगे चल के वहाँ से भगवान ने पार किया था। यहाँ से गंगा जी को पार नहीं किया था, गंगा जी को भगवान श्री राम चंद्र ने यहाँ से पार किया। आप देख रहे हैं ये मंदिर का पिछला भाग, ये मुख्य मंदिर है यहाँ का। इसके बाद और भी मंदिर हैं, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर भव्यता है। पीछे श्रृंगी ऋषि के पिताजी का मंदिर है वहाँ, और सामने आपको एक मंदिर दिखाई देगा पीपल के वृक्ष के पीछे, जिसमें भगवान श्री राम और केवट जी का बहुत सुंदर भव्य प्रतिमा। फिर मिलेंगे नए चीज़ों के साथ, नए विषय के साथ। जय श्री राम।